तो थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है ऑफ योर टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, बहुत ही बेसिक सा एंड सिंपल सा क्वेश्चन है। अ सिस्टम रिलीजेस, ठीक है। जब भी आप इवन डाटा निकालते हो तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है कि सिस्टम कर क्या रहा है, ठीक है। हर एक पॉइंट, हर एक वर्ड जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अ सिस्टम रिलीजेस 125 किलो जूल ऑफ हीट वाइल 104 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। मतलब क्या है, आपको अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, यही फॉर्मूला लगेगा और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि जो सिस्टम है जिसने हीट यानी क्यू गिवन अगर आप लिखोगे तो Q इज इक्वल्स टू 125 किलो जूल, ठीक है। ओके 125 किलो जूल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रिलीज हो रहा है सिस्टम से, क्या हो रहा है, सिस्टम से रिलीज हो रहा है, दैट मीन्स ये नेगेटिव है। जब भी हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम द हीट इज पॉजिटिव, व्हेनेवर द हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम द हीट इज नेगेटिव। सिंपल सी थिंग है, लेकिन यहाँ पर वर्ड पे ध्यान देना जरूरी है। जब ये रिलीज हो रहा है तो -125 किलो जूल आ जाएगा। उसके बाद 104 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है आपका, कहां पर हो रहा है, सिस्टम पर वर्क हो रहा है, सिस्टम ने वर्क नहीं किया, सिस्टम पर वर्क हो रहा है। अब सिस्टम पे जब भी वर्क, जब व्हेन द वर्क इज डन बाय द सिस्टम वर्क इज पॉजिटिव, व्हेन द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम वर्क इज नेगेटिव। दैट मीन्स कि आपका जो डब्ल्यू आएगा वो क्या आएगा, -104 किलो जूल। आप Q इज इक्वल्स टू, ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आपको फाइंड क्या करना है, डेल्टा U इज इक्वल्स टू व्हाट, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। आपका Q क्या है पता है, Q की वैल्यू लिख दीजिए -125, W की वैल्यू डेल्टा यू आपको चाहिए, डब्ल्यू की वैल्यू आपको पता है क्या है, -104, ठीक है। अभी आपको चाहिए क्या, एक्चुअल में आपको चाहिए डी यू, इसको यहाँ लेके आ जाओ, -125 + 104 इट विल बी योर -21 किलो जूल। अब यहाँ पर आपका क्या रहेगा, देयरफॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी 21 किलो जूल। ये माइनस के साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज होगा भाई, आपका जो सिस्टम है उसके ऊपर काम हो रहा है, आपका सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है, तो जब भी हीट रिलीज होता है तो क्या होता है, यू गॉट दैट, क्या होता है, आपका इंटरनल एनर्जी कम हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, न्यूटन जो आपका थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ है उसी के स्टेटमेंट के बेस पर एक और क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें समझने वाली बात क्या थी, क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, जब भी वर्क सिस्टम पर होगा वो नेगेटिव रहेगा, सिस्टम वर्क करेगा तो वो पॉजिटिव रहेगा, जब भी सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा वो पॉजिटिव होगा और जब भी रिलीज करेगा वो नेगेटिव होगा। ये चीज़ें आप सभी को समझना चाहिए और ये आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो अगर ये आपके ध्यान में है तो कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी साइन के बीच में, ठीक है। और जानता है एग्जामिनर के स्टूडेंट्स हमारे साइन पे मिस्टेक करते हैं, इसके लिए नीट JEE CET में ऐसे टाइप के क्वेश्चन देते हैं, और उसमें हमारा कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि पहले से माइंड प्रेशराइज होता है कि अरे यार क्या करने का समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद ये छोटा सा ये रिलीजेस का हम ध्यान नहीं देते हैं, डन ऑन द सिस्टम ध्यान नहीं देते हैं और आंसर कुछ का कुछ आ जाता है, ओके। तो इन चीज़ों को देखना है, जब भी आप एक क्वेश्चन कर रहे हो तो एट अ टाइम एक क्वेश्चन पर ही ध्यान दो और उस क्वेश्चन को कम्प्लीटली सही तरीके से करने की कोशिश करो। आइए हम देखते हैं हमारा इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम।